मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र के परोल पंचायत में पीसीसी सड़क का उद्घाटन जिला परिषद अलका झा और मुकेश झा ने किया। इस अवसर पर सुंदर मिश्रा, शतनजीव झा, लाल बाबू मुखिया, अशोक राम, सुनील यादव, फूल सिंह, अमित सिंह और संजीव मास्टर भी उपस्थित थे। जिला परिषद अलका झा ने बताया कि यह सड़क बरसात में पैदल चलने लायक नहीं रहती थी और कई गांवों को जोड़ती है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसे इतिहास का दिन बताया क्योंकि यह सड़क परुल गांव से मुसहरी टोल जाने का एकमात्र रास्ता है। लंबे इंतजार के बाद इस सड़क का निर्माण पूरा हुआ है। साथ ही गांव में पहली बार आरसीसी आल्हा का भी निर्माण किया गया है। सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने परोल परोल पंचायत के जनता को धन्यवाद देती हूँ। ये योजना उलार से लेके और पप्पू सिंह के घर तक हुआ है, प्रदीप सिंह के घर तक। और ये काफ़ी जब तक जब से लगा आज़ादी हुआ तब से यहाँ पे सड़क बना ही नहीं था। परोल पंचायत के जनता से आग्रह हुआ था तो हमने 600 फीट का रोड था तो 350 फीट रोड बनाए हैं और बाकी बचा हुआ है। जो हमारे कार्यकारिणी में आएंगे तो फिर मैं 1 साल के अंदर बना दूंगी उसको। ये मेरा योजना 15वीं से हुआ है, 14,01,000 का योजना है। और यहाँ हमारी जो गांव की आवागमन का मुख्य साधन यही इसी रास्ते से है, क्योंकि यहाँ से मुसहर का आवास है, एकतारा जाने वाली मुख्य सड़क हमारा पंचायत का मुख्यालय परोल में है। तो एकतारा के जितने भी सामान्य जनता है उनको आना पड़ता है, यहाँ पर मुखिया जी को भी आना पड़ता है। तो हजारों की संख्या में इस रास्ते से प्रत्येक दिन का आवागमन है, लेकिन आप इस सड़क का विजिट कीजिएगा तो पैदल भी नहीं आप जा सकते हैं। तो हम लोग सही बात कहें हमारे पार्षद जी कि हम लोग सांसद से लेकर के स्थानीय मुखिया जी तक से आग्रह किए। देखिए ये सड़क जो है सो परोल पंचायत के दो गांव ऐसा है जो एकतारा और परोल जो एक ही पंचायत के भौगोलिक रूप से दोनों विपरीत दिशा में इतना है जो मतलब लोगों को 15-16 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। ये इतना महत्वपूर्ण सड़क होने के बाद भी कोई जो है सो ध्यान नहीं देते थे इस पर, एमपी हो एमएलए हो कोई भी हो इस पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ पे ग्रामीणों का और यहाँ के लोगों का आग्रह था जो कम से कम जो है सो जितना दूर में परोल में शुरुआती में जो रिहायशी इलाका है यहाँ तक कम से कम रोड आप बना दीजिए जो लोगों को सुविधा हो। हर समय हर कोई, हम भी संजोग से मुखिया थे तो हम मधुबनी जिला के मुखिया के मेंबर थे वहाँ न्यू सेक्रेटरिएट में पंचायती राजभवन में, वहाँ भी हम ये उठाए थे इस रोड के बारे में। मंत्री जी लोग भी थे उस मीटिंग में, लेकिन एक था कि पहले रोड प्रधानमंत्री योजना के तहत परजुआर से महाराजपुर रोड पास हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो एकतारा तक बना और एकतारा से महाराजपुर नहीं बना। अब उसमें पैसा उठ गया या जो किए हो ठेकेदार, उस कारण भी टेक्निकल कुछ दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब 5 साल से ऊपर हो गया, अब वो रोड बनना चाहिए जी। बहुत अच्छा, यहाँ पार्षद महोदय के द्वारा यह मतलब रोड बनाया गया, इसकी अति आवश्यकता थी। और यहाँ जो है न बड़ी आबादी की निकासी यहाँ हो रही है और यहाँ इस रोड की आवश्यकता आगे तक है, लेकिन पार्षद